जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग यहाँ एक नया चैप्टर देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड फायर एंड सेफ्टी। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी, फायर एंड सेफ्टी में क्या वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू क्या है, एक फायर फाइटिंग पर्सनल्स के लिए या फायर पर्सनल्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी को जानना क्यों ज़रूरी है, इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर एक फायर फाइटर या फायर प्रोफेशनल अगर अच्छा उसको नॉलेज है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो वो कभी भी पावर प्लांट्स के अंदर या किसी भी दूसरे इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में जहाँ पावर तो हर जगह यूज होता है, तो वो अपना काम बखूबी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकता है। तो आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखिए, किसी भी फिक्स पाथ पे या फिक्स वे पे इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। किसी भी फिक्स रास्ते में अगर इलेक्ट्रॉन्स के बहाव होता है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अच्छा, अभी आते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हम बोलते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जब हम किसी दो नॉन कंडक्टर को आपस में रगड़कर जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं या जो करंट हम बनाते हैं उसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अभी आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। देखिए दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग दो प्रकार से जनरेट करते हैं, एक होता है केमिकल, दूसरा होता है मैकेनिकल। तो चलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ, ज़्यादा डीपली के लिए मैं दूसरे क्लासों में स्पेशली केमिकल से कैसे करते हैं, मैकेनिकल से कैसे करते हैं, वो चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा, अभी बेसिक चीज़ों को हम जानते हैं। नेक्स्ट होता है आपका करंट। तो करंट क्या होता है, देखिए किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसे हम करंट कहते हैं। किसी भी गुड कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसे हम करंट कहते हैं। और इसे अगर एक तरीके से देखें तो क्लोज सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, किसी भी सर्किट के अंदर अगर क्लोज सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसे हम करंट कहते हैं। अभी करंट कितने प्रकार का होता है, करंट दो प्रकार का होता है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है, अगर ये आप जान गए तो आपका फायर का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग जिन भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं तो हमें पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि भाई अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में अंतर क्या है। देखिए होता क्या है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, और करंट जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन करंट, यहाँ हम लोग एक चीज़ करेंगे, करंट को हम लोग आई से डिनोट करेंगे और इसकी यूनिट एम्पियर होती है। तो जाने का तो रास्ता मिला पर आने का रास्ता नहीं है, तो ये कौन सी करंट कहलाएगी, ये डायरेक्ट करंट कहलाएगी, डीसी करंट। लेकिन बात कर रहे थे हम एसी करंट की, तो पहले एसी करंट के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों एसी करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरह जाता है और फिर रिटर्न आता है। तो ये जाने की क्रिया दिखा रही है, आने की दिखा रही है, और यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट को हम बोलते हैं एक साइकिल। हमारे घरों में जो विद्युत प्रवाहित होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक सेकेंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट करते हैं। तो आप इस चीज को देखकर आप समझ सकते हैं कि वन साइकिल किसे कहते हैं और एक सेकंड में तब 50 साइकिल्स जो होता होगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि साइकिल जान गए, अभी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो एक सेकंड में कितने बार जाना आना हुआ उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। चलिए ज़्यादा डीपली हो जा रहा है, इसे हम और स्मूथली सहज तरीके से समझेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट हमने समझ लिया, अभी हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट करंट की।
मैंने जैसा पहले बताया था कि करंट जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, और वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो हो जाएगा डीसी करंट। और डीसी करंट मैक्सिमम जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बैटरी से। यहाँ एक सवाल उठता है फायर प्रोफेशनल के लिए, हमेशा एक सवाल है यहाँ पे कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में सबसे खतरनाक कौन है? अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में खतरनाक कौन है? तो दोस्तों, ये आपने देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट जो है उसका ग्राफ कैसा है, ये यानी कि ये जाना आना बार बार है। तो इसे अगर हम टच करते हैं तो ये क्या करेगा, ये झटका देगा, और झटका देते ही हमें बाहर की तरफ फेंक देगा। ये बात हो रही है हाई वोल्टेज में, अल्टरनेटिंग करंट या डीसी करंट की हाई वोल्टेज में। तो हाई वोल्टेज में ये हमें दूर फेंक देगा, लेकिन डीसी करंट में जस्ट इसका अपोजिट होता है, वो दूर नहीं फेंकेगा, क्योंकि वो सिर्फ पॉजिटिव से निगेटिव की तरह गया, लेकिन आने का रास्ता नहीं मिला। तो इसलिए डीसी करंट को अगर हाई वोल्टेज को अगर हम टच करते हैं तो हम चिपक जाएंगे, वो हमें फेंकेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे अभी, जब करंट की बात आई तो कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, यानी कि इंसुलेटर। तो कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री फ्लो होता है, और या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की अनुमति देता है, या अपने अंदर फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो कराता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर इसका जस्ट अपोजिट होता है, इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा। तो कंडक्टर क्या होगा? कंडक्टर में आ जाएगा आपके मेटल्स, जैसे कि सिल्वर। सिल्वर इज द गुड कंडक्टर, सबसे बढ़िया कंडक्टर सिल्वर होता है। लेकिन इंसुलेटर में क्या आ जाएगा? आपका प्लास्टिक, लकड़ी, तो ये चीज़ें हैं। तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे, सर्किट किसे कहते हैं? जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने का जो रास्ता होता है उसे हम सर्किट कहते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, या जिसे वोल्टेज भी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? ये जस्ट एक प्रेशर होता है जो कि करंट को कितने स्पीड से हमें भेजना है उसे शो करता है, और इसको EMF भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या वोल्टेज भी बोलते हैं, और इसे हम लोग भी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ आपने क्या क्या सीखा? करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। यूनिट एम्पियर, सिंबल आई। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स भी वोल्टेज, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। जस्ट इसी प्रकार रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? कि किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है, अगर उसके बीच में हम लोग कोई प्रतिरोध वस्तु लगा देते हैं, तो वो हो जाता है आपका रेजिस्टेंस। यानी कि जो करंट प्रेशर से जा रहा है उसे वो धीमा करता है या रोकने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से। और रेजिस्टेंस को जो है उसका यूनिट क्या होता है? जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओमेगा, जिसे हम ओम्स भी बोलते हैं। में सबसे महत्वपूर्ण जो जानने वाली चीज है वो है फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग क्या होता है, और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, हम जैसे कोई मलबा है या कोई ध्वस्त बिल्डिंग है उसके अंदर जा रहे हैं, तो हमें तो ये जानकारी रखनी है कि हाँ, इलेक्ट्रिक सप्लाई कटअप हुई या नहीं हुई। इलेक्ट्रिक सप्लाई कटअप अगर नहीं हुई तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है?
और करंट का मूवमेंट क्या होता है, हमें करंट क्यों लगता है, क्या एक सिंगल फेज रहने से करंट लगेगा, इन सब चीजों की मैं जानकारी देता हूं। देखिए, ये एक फ्रिज है और मान लीजिए इधर से करंट की सप्लाई जा रही है, तो जो सप्लाई किसी वस्तु में दिया हुआ है उसे हम बोलेंगे फेज, या इसे गर्म वायर भी बोलते हैं, हॉट वायर, है ना, और लाल कलर में इसका जो है वो कोडिंग किया रहता है। तो ये तो हो गया फेज। देखिए, ये गया, वस्तु के अंदर गया, लेकिन आने के लिए भी रास्ता चाहिए। अगर आने के लिए रास्ता नहीं बनेगा तो इसकी सर्किट पूरी नहीं होगी, तो ये फ्रिज चलेगा भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तभी तो ये फ्रिज जो है वो चलेगा। तो इस वजह से ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि करंट अगर किसी वस्तु में जा रहा है, सप्लाई दे रहा है, तो उसे आने का भी रास्ता बनना चाहिए। तो जो ये आने का जो रास्ता बना, ये कहलाएगा आपका न्यूट्रल। अगर आने का रास्ता नहीं बन रहा है तो आपकी एक सर्किट पूरी नहीं हुई। अब मान लीजिए यहाँ एक बात आता है कि भाई न्यूट्रल से करंट जो है वो कहीं वायर लीक कर रहा है, मान लीजिए जो वायर आया हुआ है कहीं लीक कर रहा है, और इस फ्रिज को हमने छू लिया तो हमें करंट मार जाएगा। तो अभी इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए अलग से एक वायर निकाल के इसको बोलते हैं जमीन के अंदर दे देते हैं, अलग से इसकी एक सप्लाई रहती है कनेक्शन, इसको बोलते हैं अर्थिंग, जो कि आपने 3-पिन प्लग में देखा होगा। ये 3-पिन प्लग है, थ्री पिन प्लग में एक सबसे ऊपर जो होता है मोटा सर्किट पिन जो है, मोटा पिन होता है, फिर दो छोटे नॉर्मल पिन होते हैं। तो ये मोटा पिन बड़ा भी होता है, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर जैसे ही हम इसे लगाएंगे तो ये सबसे पहले जाएगा, ये हमारा दिखाता है अर्थिंग, ये अर्थिंग, ये फेज और ये न्यूट्रल। तो आपने जाना फेज किसे कहते हैं, न्यूट्रल किसे कहते हैं और अर्थिंग किसे कहते हैं। तो ये तो हमारी बेसिक जानकारी थी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और इलेक्ट्रिसिटी कोई छोटा चैप्टर नहीं है, अगर इसे हम डीपली पढ़ेंगे तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। आइए अब जानना चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या क्या हजार्ड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक मेन इलेक्ट्रिक फायर होने के जो चांसेस रहते हैं किस किस में रहते हैं और किन कारणों से होते हैं। देखिए, मेनली तो ट्रांसफार्मर होता है, मेनली ट्रांसफार्मर होता है, और ट्रांसफार्मर को जो है मेन हजार्ड इसलिए माना जाता है कि उसके अंदर जो है 2000 किलोलीटर से लेके 10000 किलोलीटर तक जितनी बड़ी कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर उतना ज़्यादा तेल उसके अंदर रहता है। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये एक ट्रांसफार्मर है और इसके अंदर तेल ही सबसे बड़ा फायर हजार्ड होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में यूज में आने वाला ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है जो अल्टरनेटिव करंट की सप्लाई के वोल्टेज को बदल देता है, और ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है हम लोग वोल्टेज को स्टेपिंग अप या स्टेपिंग डाउन करने के लिए करते हैं, और इसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा पूरे ट्रांसफार्मर किस तरह काम करता है, इसमें क्या क्या हजार्ड्स होते हैं और किस प्रकार से इसके अंदर जो है ज्वलनशील तेल रखे रहते हैं तो उनमें फायर होने का क्या चांस रहता है, वो चीज़ें आपको दूसरे क्लास में बताऊंगा, नहीं तो ये क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्विच गियर रूम। स्विच गियर रूम किस काम आता है कि स्विच गियर रूम जो होता है, जैसे स्विच, जैसा कि इसका नाम है स्विच गियर का मतलब ये होता है कि वहाँ से हम लोग जितने भी इंडस्ट्री में सप्लाई जाती है वायरिंग की, उसे हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो बड़े बड़े प्लांट, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, बड़े बड़े प्लांटों में स्विच गियर रूम रहता है, खास करके NTPC वगैरह में। तो NTPC में जो स्विच गियर रूम रहता है उसके नीचे भी तेल रहता है। तो जैसे हम लोग घर में भी देखते हैं, घर में हम लोग जैसे स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं, तो ऑन ऑफ करते समय जो है वो लाइट
लाइटनिंग होती है, आपने देखा होगा एक शॉर्ट सर्किट टाइप का, जस्ट कुछ सेकंड के लिए फ्लैशिंग होता है। तो हम लोग स्विच गियर रूम में आजकल ये प्रोटेक्शन ले रहे हैं। आप देखिए, ये स्विच गियर रूम का फोटो है जो कि NTPC का है, और इस स्विच गियर रूम में देख के आपको पता पड़ेगा कि कैसे क्या है। तो एक्चुअली स्विच गियर रूम का क्या होता है, आजकल वो लपट नहीं निकलने देना है, वो जो एक फ्लैश फायर निकलता है ना जरा थोड़ी देर के लिए, वो चीज़ें नहीं निकलने देने के लिए आजकल लपट नहीं निकलने देने वाला स्विच गियर रूम बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा हजार्ड है, क्योंकि पहले ही मैं कह चुका हूँ कि दो नॉन कंडक्टर्स के आपसी फ्रिक्शन से ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जैसा कि आप फोटो में देखिए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, और एक प्रकार का ये ऐसा करंट है जिसमें हाई वोल्टेज होता है, और इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में रबड़ फैक्ट्री वगैरह, रबड़ फैक्ट्री की जो इंडस्ट्री होती है उसमें रबड़ सीट को रोलिंग करने के लिए जब कैलेंडरिंग मशीन चलाया जाता है या रोलर द्वारा रबड़ रोल जो रोलर होता है उसके द्वारा रबड़ की नीडिंग में अथवा मैकेनिकल स्प्रेडर द्वारा जूटों के सामान पर जब रबड़ को फैलाया जाता है अथवा मशीन को चलाने के लिए पुली पर जब बेल्ट लगाया जाता है, जैसे कि NTPC के अंदर कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं जो पुली के ऊपर मूवमेंट करते हैं, तो उस समय अस्थिर विद्युत यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है जो कि हाई वोल्टेज में होती है, उसका वोल्टेज जो है हाई होता है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि इसके स्टार जो मेटेलिक चेन से मशीनरी या पुली या रोलर के वायरिंग को अर्थिंग दे देना चाहिए। अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से नुकसान नहीं चाहते हैं तो इन चीज़ों को अर्थिंग देनी चाहिए। इस तरह से उस समय जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा उससे बचाव हो जाएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फायर के होने के इंडस्ट्री के अंदर या जनरली कई सारे कॉजेस होते हैं, तो इन कॉजेस के बारे में हम बात करेंगे, ये कॉजेस क्या क्या हैं। तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, कॉमन कॉजेस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर में क्या आ जाता है, लाइटनिंग आ जाती है। लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है बरसात के दिनों में, उससे भी फायर हो जाता है। नेक्स्ट मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल डैमेज मीन्स जो किसी भी इम्प्रॉपर जॉइंट्स इन केबल्स, जैसे कि केबल को हमने सही तरीके से जोड़ा नहीं है, जो इलेक्ट्रिक केबल्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर उनको सही तरीके से हमने नहीं जोड़ा है, तो वो क्या करते हैं कि लूज होने के कारण शॉर्ट होते हैं, तो वो मैकेनिकल डैमेज में आ जाता है। नेक्स्ट आपका अर्थ फॉल्ट्स, अर्थिंग का प्रॉपर ना होना, है ना। नेक्स्ट ओवरलोड, जैसे कि हमें 15 एम्पियर की सर्किट की ज़रूरत है कि हमें कोई ऐसा इतना लोड हम ले रहे हैं कि उसे 15 एम्पियर के बोर्ड में लगाना है, लेकिन हम 5 एम्पियर के बोर्ड में ही लगा के काम कर रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है। तो उस वजह से क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होकर आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट होता है आपका शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि अगर हम इसको बोले कि व्हेन करंट पासेस थ्रू ए मच शॉर्टर पाथ टू द अर्थ देन दैट वट इट इज़ नॉर्मली डिजाइन फॉर, इसे जिस प्रकार से डिजाइन किया गया है उसके अनुसार हम इसे काम में ना लेते हुए उसे नज़दीक से नज़दीक हम सप्लाई देने की कोशिश करते हैं, और ऐसे हालात में करंट क्या करता है, बिल्कुल अपने मेन लाइन को छोड़ के नज़दीक से जाने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक आर्क्स, जो कि हम इंडस्ट्री के अंदर वेल्डिंग कटिंग ये सब चीज़ें करते हैं, वो इलेक्ट्रिक आर्क्स में आ जाता है। नेक्स्ट होता है ओवरहीटिंग ऑफ केबल्स, जो केबल्स हम यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज केबल्स, कभी कभी पुराने होने की वजह से या मटेरियल सही ना होने की वजह से ओवरहीट हो जाते हैं, उस वजह से भी फायर हो जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्यूज़, इम्प्रॉपर फ्यूज़ जैसे कि आजकल तो हम फ्यूज़ के रूप में MCB LCV यूज़ कर रहे हैं, तो पहले इस प्रकार का कोई मैंने अच्छी सुविधाएं नहीं थी, तो
फ्यूज़ भी काम नहीं कर पाता था, और हम लोग जितना जिस लिमिट में फ्यूज़ को लगाना चाहिए उससे हाई लिमिट का हम लोग वायर से फ्यूज़ को कनेक्ट करते थे, जिसके वजह से भी फायर हो जाता था। नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन। इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन होने की वजह से भी फायर होता है या सस्ता, जैसे आपने इंडस्ट्री के अंदर या किसी घर में या कहीं भी आपने सस्ता उपकरण यूज़ किया, सस्ते तार लगाए, सस्ते बोर्ड लगाए, मतलब बिजली के सस्ते उपकरण जो कि IS कोड को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, किसी भी कंपनी द्वारा, लोकल कंपनी द्वारा बनाया हुआ है, उस चीज़ को आप यूज़ में ले रहे हैं तो वो भी कॉज ऑफ फायर हो सकता है। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इन चीज़ों से हम लोग कैसे बचाव करें, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। नेक्स्ट, जो भी ये हजार्ड्स मैंने बताए हैं जिनकी वजह से फायर होते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम लोग क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड द इलेक्ट्रिक फायर इन इंडस्ट्री और द जनरल प्लेसेस। देखिए, प्रिवेंटिव मेजर्स में नंबर वन आता है आपका प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ लाइटिंग अरेस्टर। नेक्स्ट आपका आता है यूज ऑफ गुड क्वालिटी, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, आपको प्रॉपर जो है लाइटनिंग अरेस्टर को यूज़ करना है, गुड क्वालिटी के वायरिंग और इंस्टॉलेशंस को यूज़ करना है, सही रेट की फ्यूज़ यूज़ करनी है, प्रॉपर अर्थिंग यूज़ करना है, प्रॉपर वेंटिलेशन यूज़ करना है, वेंटिलेशन सही तरीके से होनी चाहिए, और बाई यूजिंग गुड सर्किट ब्रेकर्स, जो सर्किट ब्रेकर्स है वो सही होना चाहिए, फायर डिटेक्शन सिस्टम्स लगे होने चाहिए, जितने भी जॉइंट्स और कनेक्शंस हैं वो सोल्डर्ड या मैकेनिकली क्लैम्प्ड और इंसुलेटेड होने चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए इन सब चीज़ों की, गुड हाउस कीपिंग होनी चाहिए, और फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशंस का प्रोविज़न होना चाहिए कि हम वहाँ पे एक अच्छा फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन को प्रोवाइड कराएं। अभी क्या हो जाता है कि इनसे फायर फाइटिंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन रहते हैं, जो फायर पर्सनल्स के पास क्या क्या रहते हैं, तो एक तो अच्छी टोपोग्राफिकल जानकारी हमें होनी चाहिए, केबल गैलरीज या स्विच गियर रूम्स या जो भी हजार्डस एरिया है उनका जानकारी रहेगा तो हम वहाँ पे तत्काल कॉल मिलते ही पहुँचेंगे और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड या वेपराइजिंग लिक्विड्स, DCP, ड्राई सैंड, SS यानी कि राख, इन चीज़ों को एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड इन सच केसेस। और हम जो सेफ्टी इक्विपमेंट जरूर यूज़ करेंगे, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि रबर ग्लोव्स है ना, और टेस्ट एड किया हुआ जो IS के कोड के थ्रू जो फायरमैन X वो रहना चाहिए, गमबूट हमारे पास रहना चाहिए, गॉगल्स रहने चाहिए, फिर हम BSET यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर केबल गैलरीज में PVC वगैरह से जो केबल्स बनते हैं उसमें अगर फायर हो जाता है तो आपको उसमें विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए हजार्डस हो सकती हैं, तो इसलिए हमें ब्रीदिंग अपरेटस सेट यूज़ करना है। और फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन जो वहाँ पे लोकेट किए हुए हैं, जैसे ट्रांसफार्मर के ऊपर हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम रहता है या मल्टीफायर सिस्टम भी बोलते हैं, उनको ऑपरेट करना, उनकी सही जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसा कि आप इस फोटो पर देख रहे हैं, और इसी के साथ मैं फाइनली यही कहूँगा कि एक फायर पर्सनल को किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी जनरल प्लेसेस में 4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी से काम करना, करंट को समझते हुए काम करना कि भाई करंट जो है क्या नुकसान कर सकता है ना, और ये एक स्लाइड आपको दिया हुआ है कि हमें कितने वोल्ट के करंट में कितने फीट से हमें काम करना है, कि भाई करंट जो है वो उसे कितनी दूरी से हम उसे फायर फाइटिंग कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और ये आंकड़ा जो यहाँ दिया हुआ है उस आंकड़े को आप याद रख लीजिए। ओके, थैंक यू।